तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टंटी पे। दोस्तों मेरे हाथ में आज ओप्पो का सेट है, यानी ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है। मेरे फ़ोन में लॉक लग चुका है तो फ़ोन ये अनलॉक नहीं हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन को अनलॉक कैसे कर सकते हो, भी बहुत ही ईजी और सही सरल तरीका से। मैं ऐसे ऐसा वीडियो इंटरेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ। अगर मेरे चैनल पर जो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि इमरजेंसी कॉल आपका कहाँ है, ऊपर नीचे लेफ्ट कहीं भी होगा, आप इमरजेंसी कॉल खोज लीजिएगा। इमरजेंसी कॉल पे जाने के बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉल ओपन कर लीजिएगा ऊपर इमरजेंसी पेज को। इमरजेंसी पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे दो या तीन में कोड बताऊँगा, जो मास्टर कोड होता है वो टेक्निक होता है एक। यहाँ पे मैं कोड डालूँगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। इस कोड को आपको लिख लेना है कॉपी में या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इसको 10 टाइम आपको कॉल कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन इसको कॉल करने के बाद इस कोड को आपको हटा लेना है। इस कोड को हटाने के बाद इंजीनियर मोड का फाइल खोलना है। इंजीनियर मोड का फाइल खोलते ही यहाँ पे मेनू टेस्ट पे जाना है। मेनू टेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे सेंसर सेल टेस्ट को पहले चेक कीजिएगा। यहाँ पे मैं तीन सेंसर है, तीनों सेंसर को ओपन कर दीजिएगा। तीनों सेंसर में से कोई एक सेंसर पास होना जरूरी रहता है, जो मेरा एक सेंसर पास हो चुका है। देखिए यहाँ पे टेस्ट पास रेट है, बाकी दोनों फेल है। आपका फ़ोन में भी सेंसर होगा, उसको भी आप ओपन कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसको बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद जी सेंसर को आपको ओपन कर देना है। जी सेंसर को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, अंक बदलते रहे तो भाई आपका फ़ोन 100% अनलॉक हो जाएगा, नहीं तो भाई फिर नेक्स्ट वीडियो जो नहीं होगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो वो होगा या नहीं होगा मैं उसका उपाय लाऊंगा। फिर इसके बाद आपको बैक कर देना है, फिर यहाँ पे होम वाला बटन को टैप कर देना है। जैसे ही टैप कीजिएगा उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।